ये जो वीडियो है अभी वो 10th क्लास के लिए है, और यहाँ जो चैप्टर्स मैं सेलेक्ट किया है अभी डिस्कशन के लिए वो सर्कल है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ इस वीडियो सीरीज के अंदर में जनरल जो टिप्स हैं रिलेटेड टू दी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करूँगा, जिनको मैं अभी यहाँ पर सपोर्टिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट SMCs के नाम से अभी आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। राइट, तो यहाँ ये सोल्व जो प्रॉब्लम या देखेंगे आप, तो उसमें क्या ट्रिक यूज करते हैं, कैसे सर्कल की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा। आई होप कि आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो बेसिक, अभी इसके नाम से ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। सर्कल ये एक तरीके से आप ये समझे कि रिवीजन है, और किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए क्या ट्रिक है वो ही मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप पता है ये कोई सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ए बी, ये जो लाइन है इसको कोर्ड बोलते हैं, और यहाँ पर 1, 2, 3 से ये जो डिनोट किया है ये एक्चुअली एंगल्स हैं। तो यहाँ पॉइंट ये है कि ओ ए ओ बी जो है वो एक सर्कल की रेडियस है। अगर ये टू आर्म्स इक्वल होंगी, टू साइड इक्वल होंगी, तो जो ये सेकंड और थर्ड नंबर पर यहाँ जो ये अपोजिट हैं, इन पॉइंट्स पर जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो एक ये पॉइंट कोण पर बनने वाला जो एंगल होगा वो सेम होगा। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है वो क्या है, ये आपको पता होगा लेकिन फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। और टेंजेंट एंड रेडियस के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। राइट, तो जैसे ये हम लोगों का सेंटर, ये रेडियस, ये टेंजेंट यहाँ से पास हुआ, तो इनके बीच का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। थर्ड जो पॉइंट है ए बी, हम लोगों को पता है कोण है, सेंटर से कोई भी लाइन अगर यहाँ इसके थ्रू पास होगी तो वो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो सेंटर से कोण पर जो परपेंडिकुलर है वो उसको टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। राइट, तो कोण कहीं भी ड्रा किया हो, ये पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि अगर ये कोण डिवाइड किया, ये लिखा है सी और डी कोण है, और यहाँ से एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, और इसको मैं अगर ई कहूँगा तो क्या होगा कि सी ई जो होगा इक्वल होगा ई डी के। राइट, तो ये थर्ड पॉइंट है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। कहीं भी सर्कल में अगर आप इस तरीके से देखते हैं कि आपके क्वेश्चन में लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए, कि जैसे कि ये यहाँ से जो आउटसाइड ये एक्सटर्नल पॉइंट है सी, और यहाँ से एक टेंजेंट गया और जिसका इंटरसेक्ट यहाँ पी पॉइंट पर है, इसका क्यू साइड में है, तो अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे पी टी पूछ लें, और दूसरा एक कोण ये पी क्यू है। राइट, इसको मैं अभी पी क्यू बोल रहा हूँ, और ये यहाँ इंटरसेक्ट करती है इसको ई पॉइंट पर, तो वो पूछ सकते हैं कि ये ई टी डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो कोई भी जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वहाँ आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। राइट, तो यहाँ ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कोण और टेंजेंट है, कोण क्या होता है ये आपको पता लग चुका है, ए बी यहाँ कोण है, टेंजेंट ये अभी ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये लाइन गई है जहाँ इसको सर्कल को टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उनको हम टेंजेंट बोल रहे हैं। राइट, तो एक टेंजेंट तो आपका ये देख पा रहे हैं पहले इस पॉइंट से, तो एक टेंजेंट की पॉसिबिलिटी और भी है। वो सपोज किया ये जो टेंजेंट मैं आपको ए बी लाइन से शो कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये भी टेंजेंट है। राइट, जब हम बोलते हैं इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं टी को एक्सटर्नल पॉइंट और इसके थ्रू ये दो टेंजेंट गए हैं, तो तब क्या होगा, टी क्यू और टी पी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। राइट, इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। और जैसे कि अभी यहाँ एक और यहाँ ये आपका टेंजेंट इंट्रोड्यूस किया है, तो इस टेंजेंट में भी आप देख पा रहे हैं
ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए और बी, तो जब मैं इसको पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करूंगा तो ए पी और ए ई जो है वो इक्वल डिस्टेंस के होंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर बोल दिया है ये एक्सटर्नल पॉइंट था, ये इंटर था और ये भी क्यू भी, तो पी टी क्यू और टी पी सेम डिस्टेंस पे। उसी टाइप से जब मैं इसको कंसिडर करूंगा एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ ये इंटरसेक्ट करता है इसको पी पॉइंट पर और इस साइड में करता है ई पॉइंट पर, तो ये दो टेंजेंट हैं जो इस पॉइंट से गए हैं, तो इसलिए ए पी और ए ई का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो इफ टेंजेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो उन टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी और टेंजेंट्स को रेडियस से ज्वाइन करने पर 90 डिग्री का एंगल डेवलप होता है। तो ये पॉइंट तो अभी आप देख चुके हैं, और इस पॉइंट को जैसे कि इस टी पॉइंट से ये आपके दो टेंजेंट आए राइट, और यहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पॉइंट पर, तो अगर यहाँ से इस पॉइंट को रेडियस इस तरीके सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा राइट। तो इसी तरीके से इस टेंजेंट पर आप देखते हैं ये ओ सेंटर है ऑफ द सर्कल, इसको जब आप बी से ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस होगी, तो इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा राइट। तो इसको अभी आप देख चुके, तो ये सभी जो पॉइंट है आपको माइंड में रखना है कि ऐसे ऐसे होगा। अब यहाँ ये नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ ये तो टेंजेंट जो भी आपको आइडिया हो चुका है, ये रेडियस है, ये दूसरा इसको जो ज्वाइन करता है यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है। तो सपोज किया इस एंगल को हम थीटा 1 मानते हैं और इसको थीटा 2, तो एक स्ट्रक्चर आपके पास में ये इस टाइप का डेवलप हो जाता है राइट। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ ये एंगल थीटा 1 है, ये 90 डिग्री का है, ये सपोज किया थीटा 2 है, ये भी 90 डिग्री का है। तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हम लोगों के पास क्या होगा, 360 डिग्री एंगल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं टी ए ओ बी, तो कभी कभी क्या होगा कि ये थीटा 1 गिवन होगा कुछ प्रॉब्लम्स में और वो थीटा 2 आपको निकालना होगा, या थीटा 2 किसी दूसरे पॉइंट से आपको निकालना होगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट इस तरीके से यूज करते हैं राइट। तो ये जो आप देख पा रहे हैं टी ए ओ बी टी राइट, तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं टी ए ओ बी, और इसका जो सम होगा सभी एंगल का वो 360 डिग्री होगा। तो ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जिनको अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे, और तब प्रॉब्लम सोल्व करते रहेंगे और इनको मैं रिकॉल करता रहूंगा।